हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल में कोरोना वायरस की चुनौतियों की समीक्षा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर के तथा सावधानी बरतकर कोरोना संक्रमण को रोकने के दिया आदेश। डीएम और एसएसपी ने किया बीएसएबी इंटर कॉलेज तथा अस्थायी रैन बसेरा एवं बहालगंज के ब्लॉक संसाधन केंद्र में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। खेतों में काम कर रहे मजदूरों को वितरित किए मास्क। कोरोना से बचाव के प्रति किया जागरूक। महिवा मंडी में ओवर रेटिंग की शिकायत की जांच सही मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने दो थोक व्यापारियों का लाइसेंस किया निलंबित। कहा उचित मूल्य पर बेचें सब्जियां नहीं तो होगी कार्रवाई। तहसील सदर में बनाए गए कम्युनिटी किचन का एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने किया निरीक्षण। बनाए गए भोजन का लिया स्वाद। कहा क्वारंटाइन सेंटरों पर पहुंचाए जा रहे हैं भोजन। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कोरोना वायरस रोकथाम के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में 24 घंटे हो रहा है काम। लोगों के आ रहे समस्याओं का हो रहा है समाधान। पूर्वोत्तर रेलवे के कोचिंग डिपो में कोचों के आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित करने में मिले 216 कोचों में से 196 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया तब्दील। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम के सौजन्य से महवा मंडी में लगाए गए हैंडवाश मशीन का महापौर ने किया लोकार्पण। कहा मंडी में आने वालों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मिलेगी सुरक्षा। शासन के निर्देश पर महवा मंडी में फुटकर सब्जी विक्रेताओं को किया गया प्रतिबंधित। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया नहीं हो पा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां हुई और तेज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग से 100 बेड का बनाया गया अस्पताल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने आम जनमानस से की अपील। कहा सामाजिक दूरी बनाकर बचाव से ही कोरोना से लड़ने से मिलेगी निजात। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में महवा मंडी में सम्पन्न हुई आढ़तियों की बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर व्यापार करने के दिए निर्देश। लॉकडाउन के दौरान नगर निगम द्वारा नियमित रूप से चलाया जा रहा सफाई अभियान, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। लॉकडाउन के मद्देनजर मुस्लिम समाज ने घरों में मनाया शबे बारात का पर्व। पढ़ा फातिहा, पुरखों को किया याद, मांगी दुआएं। लॉकडाउन के दौरान महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के नेतृत्व में महिला थाना की टीम ने मोहरीपुर में गरीब असहायों को किया भोजन वितरण। कुसमी जंगल में बंदरों को खिलाया फल। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति किया जागरूक। स्थानीय लोगों की मदद से धर्मशाला बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज ने कराया गरीबों असहायों को भोजन। कहा निराश्रितों के लिए है छोटी सी मदद, मिलेगी राहत। लॉकडाउन के दौरान फलों के दामों में आई गिरावट, नहीं बिक रहे हैं फल। और लॉकडाउन के दौरान पूरे महानगर में पसरा रहा सन्नाटा। नाकाबंदी कर पुलिस दिन रात करा रही लॉकडाउन का पालन।